हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ के ही हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा रूलर था दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इसके लर्नर डायरीज क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस चैप्टर को कम्प्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, तो तभी आपसे लर्नर डायरी क्वेश्चन होंगे और मैं जो बोलूँगा तभी आप समझ पाओगे कि इसमें किस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या इसका आंसर है, मेन पॉइंट ऑफ द व्यू क्या है आंसर का, ठीक है। तो ऐसे मत आ जाना कि बिना पढ़े चैप्टर को ही आप लर्नर डायरी क्वेश्चन कर रहे हो। कॉपी कॉपी तो बिल्कुल मत कर रहा हिस्ट्री का। अगर वैसा हो तो मार्क्स बढ़ाने के लिए कॉपी कर सकते हो, बट कॉपी नहीं। क्योंकि देखो, अगर आप अभी से चैप्टर को समझोगे तो आपका फिर 8th में बिल्कुल सेम इसी के टाइप बेस्ड जो है चैप्टर्स होंगे, तो उसमें आपको फिर दिक्कत रिलेट प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसीलिए आप अच्छे से चैप्टर पढ़ो, उसके बाद फिर आप लर्नर डायरी क्वेश्चंस को करो, ठीक है। और लर्नर डायरी क्वेश्चन में मैं काफ़ी शॉर्ट ऑफ द पॉइंट आंसर लेके आता हूँ, शॉर्ट व्यू ऑफ द पॉइंट आंसर में लेके आता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा क्या, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको मैं ये बोल सकता हूँ क्वेश्चन का जो मतलब वो कोई और है, बट मैं आपको बताने के लिए ऐसा यूज़ कर रहा हूँ वर्ड को, ठीक है। आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, ठीक है। तो मैंने लिखा आई लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। मैंने इस चैप्टर से ये सीखा कि द स्टेट्स इज कॉल्ड सल्तनत। कुछ समझ में आया? नहीं, मैं समझाऊंगा, एक मिनट। बिकॉज इट वॉज द लीड अ रूलर ऑफ कॉल्ड सल्तनत। देखो, काफ़ी शॉर्ट आंसर है, ठीक है। द स्टेट इज़ कॉल्ड सल्तनत। हम लोग स्टेट को ही सल्तनत बोलते हैं, क्योंकि इसको जो लीड्स का जो रूलर था वो कौन था, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल के दिखाना कौन था रूलर, ठीक है, सल्तनत, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्या, व्हाट यू फाउंड चैलेंजिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको इसमें चैलेंजिंग क्या लगा? तो देखिए, चैलेंजिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको डर के भागना नहीं है। सबसे पहले बात तो आपको पॉइंट जो मैंने दिया है उस पॉइंट को आपको सबसे पहले देखना है, ठीक है। मोटिव क्या है पॉइंट का, क्या पॉइंट बोलना चाहता है, ये पहले आप समझ जाओगे तो आप आँख बंद करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या है, मैंने लिखा आई चैलेंजिंग फ्रॉम दिस चैप्टर ही ऑर्डरेड अ जनरल मैस्कर एंड लार्ज नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इंक्लूडिंग द वुमेन एंड चाइल्ड वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेयर मर्डरेड, ठीक है। देखो, ये पॉइंट क्या बोलना चाहता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मुझे इसमें ये चैलेंजिंग लगा कि जब ऑर्डर हुआ था किस कादली सल्तनत का, तो जनरली जो जो मैस्कर हुआ करते थे वो लार्ज नंबर पे हिंदू और मुस्लिम को क्या करते थे, इंक्लूड करते थे वुमेन में, और उससे फिर क्या होता था, और चिल्ड्रेन को भी इस मर्डर वाले मतलब जो दिल्ली सल्तनत के जो सिक्योरिटीज थे, एक तरीके से बोल सकते हो जो गार्ड्स हुआ करते थे, वो मतलब किसी को भी नहीं छोड़ते थे, वो चाहे चिल्ड्रेन हो, वुमेन हो, मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, तो उन्होंने सबको इंक्लूड कर लिया अपने आर्मी में, और फिर वो मरे या क्या हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका एक मोटिव होता है, इस पॉइंट का क्या होता है, एक मोटिव। तो वो मोटिव वो क्या है ना, एक मोटिव आप उस चीज़ को आप कर लोगे तो आपको आसानी से वो मतलब मिल सकता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट यू फाउंड इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको इसमें इंटरेस्टिंग क्या लगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए, समय को बिना गवाए इंटरेस्टिंग क्या लगता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। आई इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर बाबर डिफीट इब्राहिम लोदीन। बाबर डिफीट इब्राहिम लोदीन इन 1526 ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत। देखो, ध्यान से सुनो, ये पॉइंट जो है वो काफ़ी कुछ बोलना चाहता है, अगर आप सुनोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखो, ये जो पॉइंट है आपका वो काफ़ी कुछ बोलना चाहता है। तो देखो, हाँ, अब बन गया। तो आई इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर बाबर डिफीट इब्राहिम लोदीन इन 1526। जो बाबर था, मुझे इसमें ये इंटरेस्टिंग लगा कि जो बाबर था उसने जब हारा, उसको किसने हारा, इब्राहिम लोदीन ने, किस और कौन से वक्त में, तो 1526, ठीक है। और उस समय पानीपत की जो लड़ाई चल रही थी, विच इंडेड द दिल्ली सल्तनत, और जब दिल्ली सल्तनत इंड हुआ
एंड द मार्केट द बिगनिंग हैज बीन मुगल मुगल रूलर, और उसके बाद फिर कौन आए, मुगल्स, हमारे मुगल्स रूलर आए। तो ये पॉइंट जो है आपको वो काफ़ी कुछ बता के जा रहा है, तो आप प्लीज़ ऐसे ही ना रहें, क्योंकि ये वाली पॉइंट आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर से भी रिलेट करती है। देखो हिस्ट्री के जो ये क्वेश्चन है तो आप देख के भागा मत करो, ठीक है। सबसे पहली बात आप इसे देखा करो कि पॉइंट ऑफ द व्यू क्या बोला जा रहा है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट्स करें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।